जी ओके okay. नमस्कार, वेलकम टू कॉमन इंडियन वॉइस। एक नमस्कार। हफ्ते का गैप पड़ा, सॉरी। मैं तब त्र्यंबकेश्वर गई थी। बहुत अच्छे से दर्शन हुआ, पूजा भी बहुत अच्छे से हुआ, हाँ एकदम मन तृप्त हो चलो गया। आज हम फिर से इकट्ठे चलो हुए हैं हाँ रामायण पे चर्चा करने के लिए, और हमारे साथ डॉक्टर एम आर गोयल जी है। पहले भी आए हैं, मुझे पता है आप लोगों में से बहुत लोग वेट करते हैं उनके लिए। एंड ऑब्वियसली गीतांजलि गोयल जी भी हैं। एंड आज हम लोग चर्चा थोड़ा आगे लेंगे। पहला तो प्रश्न अंकल जी से मेरा ये है कि अंकल जी, ये जो जब लंका पे जीत हासिल कर लिया था, रावण का वध हो गया, उसके बाद जब सीता जी आए वापस, तो वो जो लक्ष्य मतलब उनको वो करना पड़ा ना, आग में अग्नि अग्नि परीक्षा देना परीक्षा पड़ा, अग्नि परीक्षा देना पड़ा, उसके बारे में प्लीज कुछ जी। अग्नि बताइए। तो हमने डिस्कस किया था ना, किया था, परीक्षा किया था तक हमने। हाँ मेरा ख्याल है जी पिछली पिछली बार डिस्कस हुआ था ये। जी अच्छा, अब ये है कि जब वो वापस आ गए थे ना, तो वो धोबी के बात का जो था, उस पे जो उनको वन वनवास में भेज दिया था, तो उसमें कितनी सच्चाई है? वो ऐसी बात है कि एक कोई ड्रामेटिस्ट थे, ड्रामा राइटर संस्कृत के, वो शायद कालिदास के कंटेम्प्रेरी ही थे। तो जैसे कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतल में लिखा है, शकुंतला की कथा पर ड्रामा बनाया है, उन्होंने कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स लेके कुछ अपनी तरफ से जो उसको ड्रामेटाइज करने के लिए ना, लोगों की एंटरटेनमेंट के लिए ड्रामेटाइज करने के लिए उसमें दुर्वासा ऋषि डाल दिया और अंगूठी का रेफरेंस डाल दिया, अंगूठी वो किसी मछली के मुंह में चली गई, ये सारी जो है ना ड्रामेटाइज करने के लिए ही एडिशन की गई है। इसी तरह उनके ही एक और ड्रामेटिस्ट थे, उनके कंटेम्प्रेरी शायद भास था उनका नाम, आई एम नॉट श्योर। तो उन्होंने बाण थे, एक भास थे, ड्रामा राइटर काफी हुए हैं उस इरा में। नहीं, प्रोबेबली भास था उनका नाम, आई एम नॉट श्योर। एक दो और भी थे उनके कंटेम्प्रेरी कालिदास के, तीन चार ड्रामेटिस्ट थे ये। तो उन्होंने एक ड्रामा लिखा उत्तर रामचरितम, उसके बेसिस पर ये सारी कहानियां बनी हुई हैं। उन्होंने अपने रामायण से ये चैप्टर लेके के भगवान राम ने विजय प्राप्त की, उसके बाद क्या हुआ, उसको उत्तर रामचरितम का एक ड्रामा बना दिया। वो जो ड्रामा है उसी के बेसिस पर ये सारी कहानियां बनी हैं कि ये लव कुश जो थे उनसे भगवान कृष्ण, भगवान राम की का युद्ध भी हुआ, और ये सारी कहानियां जो है ना, और सीता जी को फिर पृथ्वी में समाना पड़ा, ये सारा ड्रामा है और कुछ नहीं है। अच्छा, ये जो है ना कि आपने जैसा बोला, लवकुश की लड़ाई हुई, उसमें सारे लोग हार गए एंड सब मूर्छित हो गए, उसके बाद वाल्मीकि जी आए। हाँ ये सब ड्रामा की ही कहानी है और कुछ नहीं, हिस्टोरिकल फैक्ट इनमें बिल्कुल भी नहीं है। तो एक्चुअली अगर आप वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं, तो वाल्मीकि रामायण एंड्स एट कि श्री राम का अभिषेक हुआ, उसके बाद वो राम राज्य का पूरा वर्णन करते हैं कि राम राज्य कितना सुंदर है, और सबके बच्चों के नाम बताते हैं कि राम जी के दो पुत्र हुए, और सीता जी का वर्णन करते हैं वहां की सीता जी कितनी कुशल महारानी थी, कि उनको कितना प्यार मिला जनता से और उन्होंने जनता के लिए कितना कुछ किया, और उनके दो पुत्र हुए लव कुश। और ये कहा गया है वहां पे कि लव कुश जो है वो पढ़ने के लिए वाल्मीकि आश्रम गए, और साथ ही में सबके सब जो भाई हैं उनके, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, उनके बच्चों की बात करी गई है कि इनके भी पुत्र हुए। सो यहाँ पे आकर वाल्मीकि रामायण का जो लास्ट चैप्टर है, भरत मिलाप कांड जो है, वो वहां समाप्त हो जाता है। और इसी प्रकार से जो तुलसी रामायण है, उसमें भी अगर आप पढ़ें तो जब हम
लंका कांड में युद्ध होता है, उसके बाद उत्तर कांड आया. मतलब मैं अपनी बात आपको बता रही हूँ कि व्हेन आई वाज रीडिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम आई वाज व्हाट आई थिंक 24, जब मैंने पहली बारी तुलसी रामायण अपने आप से रामचरितमानस पूरी की पूरी अध्ययन किया उसका. एंड लिटरली मैंने उत्तर कांड पूरा पढ़ लिया और मैं वेट कर रही हूँ कि ये सब कहानियां कहाँ हैं, बिकॉज मुझे ये मेरे मन के अंदर भ्रांति थी कि वाल्मीकि रामायण में नहीं है तो शायद ये सब कुछ तुलसी रामायण में है. सो आई वॉज वेटिंग कि ओके अब ये सब कहानी आएंगी. आई नेवर केम. जो तुलसी जी का उत्तर कांड है उसमें जैसे उन्होंने कथा आरंभ करी है तो चार घाट बैठे हैं उसमें. चार घाट मतलब ऐसा उन्होंने बोला कि मानस है, मानस का सरोवर है, राम कथा जो है उसको एक सरोवर के रूप में उन्होंने तुलना की है और उसके चार घाट हैं. उसके चार घाटों पे कथा कही जा रही है. तो कौन कौन से घाट उन्होंने खोले हैं? एक तो शिव जी पार्वती से कथा कह रहे हैं, एक घाट है. हाँ. दूसरे घाट पर भरद्वाज और याज्ञवल्क्य की कथा चल रही है. तीसरे घाट पर काकभुशुंडी जो सब पक्षियों को कथा कह रहे हैं वो चल रही है. और इसी प्रकार एक कथा चल रही है जो तुलसी जी कह रहे हैं श्रोतागण से. सो इन दैट स्टोरी ही फिनिशेस उत्तर कांड में आकर वो सबके सबको चारों घाट बंद कर देते हैं कि अच्छा अब पार्वती जी और शिव जी घर चले गए. याज्ञवल्क्य और भरद्वाज की जो बात हो रही थी वो भी घर चले गए. तो जब सब घाट एक बारी बंद हो जाते हैं तो इट्स क्लियर इंडिकेशन दैट द स्टोरी इज ओवर, देयर इज नथिंग मोर टू बी टोल्ड, राइट. और इसी प्रकार उत्तरकांड में मतलब बहुत सारे प्रवचन हैं, बहुत सारी और सुंदर कथाएं हैं, लेकिन इस कथा का कहीं नामो निशान भी नहीं है कि सीता जी के ऊपर किसी प्रकार का कोई लांछन लगाया किसी ने भी. ओके मुझे एक रामायण से हटके एक चीज आपसे पूछना है. क्या हमारे शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि वीमेन आर नॉट सपोज टू रीड वेदास? बिकॉज एज फार एज आई नो विदुषी बहुत थे ना उस टाइम में, जो बहुत विदुषी वेद को बहुत अच्छे से जानते थे. जी बहुत विदुषियां थी और बहुत सारी जिनको ऋषि पत्नियां या ऋषिकाएं कहा गया, कुछ ऐसी ऋषिकाएं भी हुई जिन्होंने वेद अध्ययन को ही जीवन का ध्येय रखकर उन्होंने विवाह भी नहीं किया और ब्रह्मचारिणी हुई और उन्होंने पूरा जीवन वेद अध्ययन के प्रति डिवोट कर दिया. सो वो ऋषिकाएं भी थी और ऋषि पत्नियां भी जो होती थी वो ज्ञानी हुआ करती थी. जैसे हमने बात करी थी कि जो अत्रि ऋषि की पत्नी है अनुसुया, शी वाज एन इंजीनियर, तो बिना पढ़ाई के वो इंजीनियर कैसे बनती? अंकल जी के कनेक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, ही इज जॉइनिंग बैक. मैं तभी हाँ, ही हैज जॉइंड, ही इज जॉइनिंग बैक. थोड़ा टेक्निकल. यस मैम प्लीज गीतांजलि जी बोलिए. यस सो आई थिंक दैट इज अ लेटर डे डेवलपमेंट जो. और मैं मुझे जैसे मैं एक और सवाल पूछ रही हूँ. हमारे मेरे ससुराल में गायत्री जब लेडीज एंड जेंट्स दोनों करते हैं, मगर मेरे मैके में ना बोलते थे कि लेडीज गायत्री जप नहीं करते. अभी जब मैं त्रंबकेश्वर में भी गई थी तो उन्होंने भी वहां पे बोला कि लेडीज गायत्री जप नहीं करते, लेडीज ओम नहीं बोलते. ये सच है कि ये भी ओवर द टाइम डेवलप हो गया? ये मेरा ख्याल है अभी मीडियवल एजेस में ना, जब मुगलों का आक्रमण हुआ उसके बाद जो मुगलों में जो मुसलमानों में तो ये है ना कि लेडीज को वो समझते ही नहीं कि पूरी जान होती है इनमें, आधी जान समझते हैं, तो वो लेडीज को ऐसे सप्रेस करके रखते हैं जैसे कि वो कोई जैसे होते हैं ना दास से भी स्लेव से भी बुरी बुरी तरह से रखते हैं उनको लेडीज को. तो ये प्रथाएं जो उनकी आई उनके ही मुताबिक थोड़ा थोड़ा हमारे लोगों ने एडेप्टेशन कर ली कि लेडीज तो जो है वो तो पूरी पूरी तरह से उतना तो नहीं किया जितना मुसलमान करते हैं, पर थोड़ा थोड़ा चीजें अडॉप्ट कर ली
उसके बेसिस पर उन्होंने कह दिया कि गायत्री का जाप लेडीज नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, ये सब बात की बातें हैं। हिंदू शास्त्रों में कोई ऐसी बात नहीं आती, नहीं है। ओके राजन, उल्टा कहीं किसी ने बात कहीं नहीं पढ़ी ना। इसका उल्टा माना जाता है कि जब तक पत्नी साथ में नहीं बैठती तब तक यज्ञ पूर्ण हाँ नहीं होता, तो हाँ पत्नी को साथ में बिठाएं लेकिन पत्नी मंत्र उच्चारण नहीं करेगी, ये तो कोई लॉजिक नहीं हाँ बना ना। पत्नी बैठेगी तो मंत्र उच्चारण भी करेगी। और नहीं, राजन, इवन वो बात भी के जो पति कहता है वैसे का वैसे पूरी तरह से पत्नी को मानना चाहिए, ये बात भी बात की एडिशन है। क्योंकि जब भगवान राम ने सीता को कहा कि तुम अयोध्या में रहो, मेरे साथ वन में नहीं चलो, तो शी रिटॉर्टेड वेरी विगोरसली। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि जनक भी क्या सोचे, जनक ने क्या सोच के आपको अपना दामाद चुन लिया जो कि पुरुष रूप में स्त्री हो, जहां तक कह दिया। तो जी। और दूसरी बात ये कि जब जब हमारी जैसे सप्तपदी होती है तो उसमें पहले तीन जो फेरे लिए जाते हैं उसमें शुरू में पुरुष आगे चलता है, लेकिन बाद के जो फेरे हैं उनमें स्त्री आगे चलती है। और उसका अर्थ जो मुझे समझाया गया, पंडित जी से एक से बात हुई थी तो उन्होंने ये समझाया कि शुरू के वर्षों में जब गृहस्थ जीवन में बच्चे हैं और पुरुष प्रधान हो जाता है क्योंकि वो अर्निंग मेंबर है और स्त्री जो है घर पे बच्चों को देख रही है, लेकिन जो बाद के वर्ष हैं जब आपको संन्यास लेना है, वानप्रस्थ करना है, उसमें स्त्री प्रधान है, वो धर्म पत्नी है क्योंकि वो पति को धर्म के प्रति मोटिवेट करती है कि आप धर्म के रास्ते पे चलें। ये काम पत्नी का बताया गया है कि जो पुरुष को धर्म की तरफ ले जाए वही धर्म पत्नी है। राधर उन्होंने ये कहा है कि मतलब व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मैरिज, अगर मोस्टली पीपल जस्ट सी इट एज यू नो कमिंग टुगेदर ऑफ टू पीपल लिविंग टुगेदर प्रोड्यूसिंग चिल्ड्रन एंड दैट्स अबाउट इट, कि ड्यूटीज बांट ली जाती हैं, लेकिन धर्म पत्नी का अर्थ क्या है जो धर्म के रास्ते पे पुरुष को लेकर जाए, जो पुरुष के साथ भगवान की उपासना करे, उसकी अर्धांगिनी इस सेंस में बने कि वो दोनों मिलकर भगवान की उपासना करते हैं। तो ये अर्थ मुझे यहाँ मुझे एक ज्ञानी पंडित जी मिले थे, उन्होंने इस प्रकार समझाया कि ये अर्थ है धर्म पत्नी का। हाँ, टू ए लार्ज एक्सटेंट ठीक है, पर दिस इज म्यूचुअल कि जो पति का कर्तव्य है पत्नी को धर्म पर चलाए और पत्नी का कर्तव्य है पति को धर्म पर चलाए, ये दोनों के म्यूचुअल होता है, वन साइडेड तो नहीं लेना चाहिए। तो वो जो है टू ए लार्ज एक्सटेंट आई एग्री विद बट दैट पंडित जी वुड हैव सेड, पर एक्चुअली जो ये कहना कि पहले के सालों में पति आगे होता है बाद के सालों में पत्नी आगे होती है, ऐसी बात नहीं है। तो मतलब शुरू से लेकिन आखिर तक संबंध जो है वो वही रहता है दोनों का, हाँ म्यूचुअल। जो पत्नी को घर की लक्ष्मी कहा जाता है तो फाइनेंस मिनिस्टर कह लो, वो पत्नी ही होती है। पति का जो पति जो अपना कमा के लाता है धन, वो पत्नी के हवाले कर देना होता है कि जैसे तुमने खर्च करना करो, तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब मैंने तो जो कमाना था कमा के ला दिया। तो वो जो म्यूचुअल एग्रीमेंट्स हैं, म्यूचुअल जो डिवीजन ऑफ वर्क है, वो म्यूचुअली इस तरह से होता है, पर उसको पहले सालों में बाद के सालों में डिवाइड करना तो ठीक नहीं है, शुरू से ही लास्ट तक ही ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। हाँ जी, वो मतलब एक उनका शायद कहने का तरीका था कि हाँ कुछ कामों में पति आगे कुछ कामों में पत्नी आगे, तो हाँ वो सप्तपदी में जो बांट दिया गया है ये तो नहीं किया गया ना कि हर समय सारे फेरे पति ने आगे होकर चले, ऐसा हाँ नहीं, नहीं ऐसा पत्नी नहीं आगे है। होकर चलती है उनमें। सो दैट मीन्स समथिंग कि कुछ कामों में पत्नी भी आगे रहेगी एंड मैन शुड नॉट फील थ्रेटन्ड बाय देम। तो इसी प्रकार से मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों ने मेरे से ये प्रश्न
सिर्फ प्रश्न नहीं किया है, मुझे बहुत लोग ऐसे मिले हैं, जैसे अभी रिसेंटली एक लेडी मिली, उन्होंने बोला कि मैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन की इस मामले में आभारी हूँ कि उनकी उन्होंने जब हमारे ग्रंथों के ऊपर अधिकार कर लिया, उसके बाद वो ग्रंथ स्त्रियों को पढ़ने को मिले, क्योंकि उस तब तक हमें पढ़ने को की आज्ञा नहीं थी। तो वो जो विकृति आ गई थी समाज में, यही कह लेना चाहिए कि हमारे हिंदू समाज में एक विकृति उत्पन्न हो गई थी, जिससे बहुत सारे लोगों के मन में ये भ्रांति है कि स्त्रियां धर्म ग्रंथों का अध्ययन नहीं करती या मंत्र का जाप नहीं करती। वो विकृति मुस्लिम आक्रमण के साथ ही तो हुई ना, तो जब अंग्रेज आए तो उनकी जो थिंकिंग थी थोड़ी डिफरेंट थी मुसलमानों से। आल्दो कुछ सेंचुरीज पहले तो यूरोप में भी यही हाल था कि जो लेडीज में जान नहीं समझी जाती थी, परंतु उनके जब क्रांति आई, रेवोल्यूशन आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उसके बाद उनकी थिंकिंग कुछ चेंज हो गई, कुछ प्रोटेस्टेंट्स भी बन गए उनमें से। तो उस तरह से उनमें चेंजेस जो आई, उनसे जो स्त्रियों का दर्जा था वो जैसे पहले होता था यूरोप में 3-4 सेंचुरीज पहले, उससे बहुत ऊपर उठाया। तो वो इतना ऊंचा तो नहीं उठा जितना के प्राचीन भारत में होता था, परंतु फिर भी इट वाज समथिंग मिडवे बिटवीन बट मुस्लिम्स थॉट एंड बट एंशिएंट इंडिया थॉट। तो उस तरह से ये कह लो कि जो मुस्लिम इन्फ्लुएंस था इस रिस्पेक्ट में, लेडीज के रिस्पेक्ट में, वो काफ़ी कम हो गया अंग्रेजों के आने से। अंग्रेजों का आभारी होने की जगह ये कहो कि ठीक है, टू सम एक्सटेंट उनके आभारी होने की बात है कि क्योंकि जो इन्फ्लुएंस हो चुका था हमारी सिविलाइजेशन पर मुसलमानों का, उसको कुछ टू सम एक्सटेंट उन्होंने कम किया, उस हिसाब से ये कह सकते हैं। परंतु अगर हम उस युग की बात अपने शास्त्र पढ़े, अपने शास्त्र पढ़े तो वो उनसे यूरोपियन से बहुत आगे हैं। हाँ जी, नहीं वो उस युग की बात नहीं कर रही, वो तो अभी की बात कर रही है कि अभी जो हमारे ग्रंथ और हमारी भाषा संस्कृत भी जैसे अब वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज में ऑफर होने लगी है कि आप यहाँ पे कोर्स कर सकते हैं, तो उन्होंने मुझे उस सेंस में बोला, वो यहाँ यूएस में है, उन्होंने कहा कि जो संस्कृत का की क्लास मैंने यहाँ अटेंड करी, मैं भारत की किसी गुरु के पास जाती तो शायद मुझे इसकी अधिकारिणी नहीं समझा जाता कि मैं संस्कृत का अध्ययन कर सकती हूँ। यहाँ पे मुझे इसमें मास्टर्स की डिग्री करने का सौभाग्य मिला। तो वो उनका मतलब दैट वाज हर पॉइंट ऑफ व्यू कि अभी तो शायद मिल जाएगा अधिकार भारत में भी, पर देयर वाज अ टाइम जब नहीं मिलता। हाँ, वो मुस्लिम इन्फ्लुएंस करके ही हुआ था ना, कि हमारे जो सो कॉल्ड धर्म गुरु थे उन पर भी टू सम एक्सटेंट उनका इन्फ्लुएंस हो गया था। अभी भी शंकराचार्य जो 4-5 हैं उनमें से 1-2 ऐसे हैं जो कि अभी भी कहते हैं कि जो नॉन ब्राह्मण हैं उनको भी वेदों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, स्त्रियों की तो बात ही अलग रह गई। तो ऐसे लोग अभी भी हैं कुछ जिन पर इन्फ्लुएंस अभी चल रहा है, पर हमारे शास्त्र ऐसा कुछ नहीं कहते, कहीं मैंने हमारे शास्त्रों में ऐसी बातें कहीं नहीं देखी। इसमें एक और बात आती है। हाँ, एक चीज पूछना था, जैसे रामायण जो हमने इसमें देखा है ना, टीवी में जो सीरियल देखा है, उसमें आखिरी में बोलते हैं कि जब राम जी का वक्त हो गया था संसार को त्यागने के लिए, तो एक ब्राह्मण रूपी रूप लेके आए थे क्योंकि हनुमान जी प्रोटेक्ट करते थे। तो क्या हनुमान जी लड़ाई के बाद अयोध्या में ही रहते थे क्या राम जी के साथ? ना, हनुमान जी रहते तो अयोध्या में ही थे, पर ये कहानी जो है वो कुछ कल्पित सी लगती है। ये तो है कि हनुमान जी अयोध्या में ही रहते थे तब, राम जी ने उनको अपने पास रख लिया था सुग्रीव से रिक्वेस्ट करके कि इनको मेरे पास छोड़ दो। ये हनुमान तो जी मतलब ने भी रिक्वेस्ट करी, राम जी ने करी। उसमें मतलब उसमें रामायण में दिखाया है, तुलसीदास के उस बेस पे किया था कि वो आते हैं एंड मतलब कोई अंदर नहीं जा सकता बिना हनुमान जी के परमिशन के, तो वो ऐसे ब्राह्मण का रूप लेके आते हैं
और फिर पहले तो लक्ष्मण को जाना था, तो लक्ष्मण वो कुछ तो भी मतलब कहानी थी कि वो अंदर धरती पे ढूंढने चले जाते हैं एंड बोले ये काल चक्र चलता रहता है, ये मेरे को नहीं समझ में आया ये क्या था नहीं कि नहीं ऐसी हर इश्क कहानियां में ऐसा ही तो होता है। नो सच नहीं, स्टोरी इन वो ये एनी कहानियां तो कल्पित हैं सारी, बस इतनी बात ठीक है कि हनुमान जी राम जी के पास ही रहते थे आफ्टर द लंका वार। तो फिर मतलब ये जो चारों भाई थे ये चारों के चारों विष्णु के ही रूप थे क्या, विष्णु के ही अंश थे क्या? नहीं, वो तो वो भी ऐसी कल्पना ही है, क्योंकि उसमें रामायण में जो आता है ना, उसमें ये आता है कि जब क्षीर पात्र मिला यज्ञ में से, तो जब क्षीर बांटी दशरथ दशरथ जी ने अपनी रानियों में, तो पहले तो आधा पार्ट कुशल्या को दे दिया, उसके बाद बाकी में से आधा पार्ट सुमित्रा को दिया, तो बाकी जो बचा उसमें से आधा कैकेयी को दिया और बाकी आधा फिर सुमित्रा को दे दिया। तो ये जो ऐसे डिवीजन हुआ, उसके बाद जो लोगों ने वो ऐड कर दिए श्लोक, उसमें ये कहा गया कि भगवान राम तो आधा अवतार थे और भरत जो थे 1/4 थे, भरत 1/4 कैसे हाँ हो गए, वो तो 1/8 हुए उस हिसाब से, तो वो आपस में मेल नहीं खाता, तो आपस में मेल नहीं खाता, इसका मतलब साफ है कि वो बाद की रचना है, वो कहीं वाल्मीकि जी का नहीं लिखा हुआ, नहीं तो आपस में तो मेल खाना चाहिए ना। और जहां तक अवतार की बात है, हमने अवतार के बारे में डिस्कस किया था कि वाल्मीकि जी ने कहा है उनको उनका नाम जो उन्होंने कहा है रामचंद्र, तो उन्होंने कहा जो कनकन में रमते भगवान वो राम, और जो उसके चंद्र मतलब जो उनके गुणों को रिफ्लेक्ट करते हैं इस जगत में वो श्री रामचंद्र हुए। अब रिफ्लेक्ट करते हैं ये बोला है, ये नहीं बोला वही हैं। और फिर उन्होंने लेकिन बोला कि जब वो बड़े हुए और उनके कर्म ऐसे थे कि उनके कर्मों में भगवान के ही सारे गुण लोगों को दिखाई देने लगे, तो इस कारण वो श्री रामचंद्र की बजाय श्री राम के नाम से ही जाने जाने लगे, उनको लोगों ने अवतार ही मान लिया। तो ये जो अवतारवाद है इसको भी मतलब हमें थोड़ा सा लॉजिकली हम सोचें तो भगवान क्या है, मतलब जो हमारे शास्त्र बताते हैं हमारी आत्मा ही भगवान है, तो हर पुरुष हर स्त्री के पास ये शक्ति है कि वो भगवान तक की जो परफेक्शन है वहां तक पहुंच सके, और हम ही में से जो अपने कर्मों के थ्रू, ठीक है बहुत जन्म लग जाते हैं तो लेकिन अपने कर्मों को इम्प्रूव करते 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 उस लेवल तक पहुंच जाए कि हमारे कर्मों में सारी पॉजिटिविटी सिर्फ दिखाई दे, कोई नेगेटिविटी ना दिखाई दे, जब पूरी तरह से सकारात्मक कर्म हो जाता है तो तब कह दिया जाता है कि ये पुरुष या ये स्त्री भगवान का अवतार हो गए। कहा जाना कि भगवान आ, आ, इच्छा से अवतार धारण करके धरती के ऊपर आते हैं, वो भी मतलब इन सम सेंस दैट इज ऑल्सो उसको उसी सेंस में हमें देखी ऐसे पूर्ण पुरुष के रूप में हमें कोई ना कोई एग्जाम्पल जब बहुत ज्यादा अधर्म बढ़ जाता तो उसी का मंथन होता है ना, जैसे कहते हैं सागर का मंथन हुआ तो उसी में से वो अमृत प्रकट होता है कि इतनी जब समाज में विकृति आएगी तो उसका एक काउंट आज मेरी या ऐसी स्त्री प्रकट होगी जो उसको काउंटर करेगी, जो भी कहीं वो इतना पॉजिटिव इतना चमकता हुआ होगा कि उनको फिर हम अवतार दो मान। बातें हैं, एक तो ये कि थोड़ा सा मैं करेक्शन करना चाहता हूँ कि जो ये बात है ना कि वशिष्ठ जी ने उनका नाम रामचंद्र रखा और बाद में वही रामचंद्र राम कहलाए, ये स्वामी सत्यानंद जी की है कहा, स्वामी सत्यानंद जी ने ऐसा कहा है इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए कि अवतारवाद क्या होता जी है।
और आई एग्री विद स्वामी सत्यानंद जी, पर ये कहना कि वाल्मीकि जी ने ये कहा है वो ठीक नहीं है। वाल्मीकि जी ने ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, ये स्वामी सत्यानंद जी ने अपनी तरफ से लिखा है कि वशिष्ठ जी ने इस तरह से नाम रखा, पर वो ये एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है कि अवतारवाद के कॉन्सेप्ट क्या है, और बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया उन्होंने। आई एग्री विद सत्यानंद जी, पर वाल्मीकि जी का नाम इसमें नहीं आना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो हम कहते हैं ना, कोई कोई कहते हैं 10 अवतार हुए, कोई कहते हैं 24 अवतार हुए, ये बातें जो है ऐसे ही हैं जो भगवान कृष्ण ने कहा है, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्दन, कि मेरे भी बहुत से जन्म बीते हैं, तुम्हारे भी बहुत से जन्म बीते हैं। और उसमें ये नहीं कहा कि 24 अवतार हुए या 23 अवतार हुए या 9 अवतार हुए। तो और अगर हम वो 24 अवतारों की बात करें तो विवस्वान के टाइम में तो उन 24 में से कोई भी नहीं था, तो विवस्वान को जो योग सिखाया, जो अर्जुन को सिखाया, वही योग विवस्वान को सिखाया भगवान कृष्ण ने, तो वो तो फिर 24 अवतारों वाली थ्योरी के साथ मेल नहीं ना खाता। तो ये 24 अवतारों वाली थ्योरी, जो 10 अवतारों वाली थ्योरी है, ये तो थ्योरीज ही हैं, दीज आर नॉट हिस्टोरिकल फैक्ट्स। तो हिस्टोरिकली तो उन्होंने ये कहा है कि जब जब भी धर्म का ह्रास होता है और अधर्म ऊपर उठाता है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ और अधर्म का नाश करता हूँ, अधर्म की स्थापना करता हूँ। तो ये इसमें कोई नंबर जो फिक्स करना, वो तो ऐसे ही कुछ बातें जनता को एक्सप्लेन करने के लिए कही जाती हैं, पर वो नंबर जो 24 करना या 10 करना, वो कोई ऐसी बात नहीं है उस हिसाब से। एक और सवाल है मुझे, मेरी एक पहचान वाली है, उन्होंने बोला था कि तुलसीदास की रामायण जो है, तुलसीदास के रामायण वॉज उसमें बहुत कुछ ऐसा लिखा है, मैंने पूरा पढ़ा नहीं है, उसको भी आधा ही पढ़ा है अभी, तो उसमें बोले अकबर का इन्फ्लुएंस था, क्या ये सच है कि तुलसीदास ने रामायण में बहुत सारी चीजें अकबर के इन्फ्लुएंस में आके लिखा था? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसा मतलब 1% 0.1% भी नहीं दिखाई देता, कुछ भी नहीं है इसमें ऐसा अकबर के इन्फ्लुएंस। तो अकबर की तो मतलब अकबर की आदत थी कि वो सारे के सारे जितने उनके समय में भक्ति लहर के हिंदू संत हुए, एक एक करके अकबर ने सबको अप्रोच किया था कि मेरी तरफ आ जाओ, बिकॉज उसको तो सारे देश को मुसलमान बनाना था। तो ये भक्ति लहर जो चलाई हमारे संतों ने, उसका जो मतलब एक बहुत बड़ा, उनको भी मतलब हम ये कह सकते हैं कि उस अधर्म के समय में वो अवतार ही हुए कि उन्होंने पूरी जनता में भगवान का नाम कूट कूट के भर दिया। सूरदास हुए, मीराबाई हुई, कबीरदास हुए, तुलसी जी हुए, रविदास हुए, ये सब भक्त उस एक ही समय में हुए, इनको भक्ति लहर के कवि कहा जाता है। और अकबर की सबके बारे में कहानी आती है, मीराबाई के पास गए, मीराबाई को उन्होंने एक नेकलेस भिजवाई कि ये तुम्हारे लिए भेंट लाया हूँ, उन्होंने उसकी तरफ देखा भी नहीं, बोला कि भगवान के चरणों में रख दो, मेरे पास मैं तो कुछ पहनती नहीं, ये तो कृष्ण पहनेंगे, उनके चरणों में रख दो। सो ही कुंड अप्रोच हरिवन। इसी प्रकार से सूरदास जी के बारे में उनकी कथा आती है कि अकबर वेंट टू हिम और उन्होंने कहा ये जो जितनी भूमि है आसपास की वो तुम्हारे नाम कर दूंगा, तुम मेरा गुण गाया करो, ये कृष्ण के गुण क्यों गाते हो? तो उन्हें उत्तर मिला सबे भूमि गोपाल की, कि मेरा नाम लिखोगे भूमि के टुकड़े पर, सारी भूमि तो गोपाल की है, तो मेरा तेरा नाम लिखना तो तुम्हारी समझ के हिसाब से है, मैं तो ऐसा समझता ही नहीं। वहां से भी वो लौट आया। तुलसीदास जी को उठवा लिया गया था, उनको तो कहते हैं कि कारागार में रखा, और जिस समय कारागार में रखा, उन 40 दिन तक कारागार में तुलसीदास थे, और उन 40 दिन में उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना की। ऐसी लोक कथा है या इतिहास है मैं नहीं जानती, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उन 40 दिन में जब हनुमान चालीसा की रचना हो गई, तो तब पूरे के पूरे जो उसका महल था और कारागार था, बंदरों की सेना चढ़ाई वहां पे, और इतना उत्पात उन्होंने मचाया कि अकबर को समझ में नहीं आई कि अब क्या किया जाए। उन्होंने जब दरबार में ये बात डिस्कस हुई,
कि ये इसका क्या उपाय है। तो जो एक राजपूत राजा मान सिंह उनके दरबार में रहा करता था, उसने कहा ये तो तुलसीदास जी को आपने जो पकड़ के रखा है, ये उसका दंड मिल रहा है, जब तक आप उनको रिलीज नहीं करोगे, वो तो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं, और ये सारा आपके ऊपर प्रकोप हनुमान जी का टूटा है क्योंकि आपने तुलसीदास जी को बंदी करके रखा है। तो तुलसीदास जी को छोड़ दिया गया। तुलसीदास जी ने अगर उसकी बात मान ली होती तो वो कारागार में क्यों गए होते? सही बात है। मतलब ये हम बोल सकते हैं कि चाहे आजादी के पहले चाहे आजादी के बाद में एक कंसर्टेड एफर्ट किया गया कि जितने भी हिंदू प्रथाएं हैं, ग्रंथ है, सबको डिमीन किया जाए, सबको इस तरह से पेश किया जाए कि भाई हिंदू धर्म पे अटैक करना ही उन लोगों का मेन मोटिव वही था। बट एक उसमें जो हाँ जी, इतना ही नहीं, हमारे तो संविधान में भी एक मतलब अब तो वो फोटोएं नहीं है, संविधान जो ओरिजिनल था उसमें एक फोटो भगवान राम की थी और एक फोटो भगवान कृष्ण की थी और एक फोटो अकबर की थी। मतलब इतना ज्यादा, मतलब जिस अकबर ने महाराणा प्रताप को इतना दुखी किया उसकी फोटो जो है हमारे संविधान में आना, ये एक मेरे को ऐसा लगता है कि हमारे जितने भी लीडर थे जिन्होंने संविधान के बनाने वाले, उनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं था जिसने इसको अपोज करना किया। ये बड़ी अजीब बात लगती है मेरे को, बहुत सी अजीब बात, महाराणा प्रताप की फोटो लगाने की जगह अकबर की फोटो उसमें कैसे आ गई? ग्लोरिफिकेशन इतना ज्यादा हुआ है, मतलब हमारे जैसे लोग हैं जिन लोगों ने, दिल्ली में देखो कितनी सड़कों के नाम, कोई औरंगजेब रोड, कोई अकबर रोड, कोई शाहजहां रोड, कोई जहांगीर रोड, ये सारी उन्हीं के नामों से भरी पड़ी है। और ये कब रखी गई? ये तो आजादी के बाद रखा गया, बाद में रखी गई। संविधान की बात करो, एक बार हमारे प्रिंसिपल ने, इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल ने ये कहा कि एक शपथ लो कि मैं संविधान को फॉलो करूंगा। मैंने कहा मैं तो नहीं लेता। मैंने कहा अगर मेरे को कोई कहे ना तुमने एमपी बनना है तो शपथ ये लेनी पड़ेगी, मैं कहूंगा कि मेरे को एमपी नहीं बनना, मैं शपथ नहीं ले सकता। जिस संविधान में अकबर की फोटो लगाई गई है, उस संविधान की मैं शपथ कैसे ले लूंगा? मतलब आई वुड से कि उतना ज्यादा अत्याचार अंग्रेजों ने नहीं किया जितना कि अंग्रेजों के बाद में हमारी सभ्यता पर अत्याचार हुआ है। सही बात है। इस पे जरूर एक दिन चर्चा करेंगे, क्योंकि मुझे आपका आपकी व्यू पॉइंट भी चाहिए कि भाई क्यों हमारे हमारे सोसाइटी में, हमारे आजाद भारत में ये दुर्दशा कैसे हो गया है, क्यों हुआ है, इसकी जरूर हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम लोग रामायण से की बातें तो किए, साथ में बहुत सारी अलग और भी बातें हो गई है, एंड ऐसे ही मतलब मुझे भी लगता है कि बहुत से सवाल है, बहुत से मतलब दुविधाएं हैं हमारे अंदर, एंड आज हम लोग जो देखते हैं सोसाइटी में जो एक मतलब एक डिसकनेक्ट हो गया है हिंदूज का अपने धर्म के साथ, तो बहुत जरूरी है कि उसकी भी चर्चा किया जाए। एंड अगले हफ्ते हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे, एंड आज मैं आप लोगों से सबसे विदा लूंगी, टाइम कम पड़ रहा है। एंड अंकल जी नमस्ते, थैंक यू वेरी मच। श्रोता, आपको ये बता दूं कि अंकल जी का जन्मदिन भी है, एंड मैं सबके तरफ से अंकल जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देती हूँ। गीतांजलि जी धन्यवाद, अंकल जी धन्यवाद, एंड हम लोग अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे। जी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।